नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा, मैं नीतू चौहान। इस वक्त हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के लोटस सिटी में। तो आप सभी को बता दूं कि विधानसभा चुनाव जो है वो बड़े नज़दीक हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर खबरनामा हरियाणा जो है हर तरीके के जो है समीकरण कर रहा है चुनाव को लेकर। तो आज यहाँ लोटस सिटी में आकर हमने लोगों से भी बातचीत करी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि लोगों के समीकरण क्या कहते हैं, किस तरह का विधायक और सरकार वो चाहते हैं। जी मैम, क्या बताएंगे, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करोगे? देखिए, विधायक ऐसा होना चाहिए जो लोगों की बात करे, लोगों की समस्याएं सुने, बिजली पानी घर सड़क जो नॉर्मल जो सुविधाएं एक व्यक्ति को चाहिए वो सब उनकी पूरी करें। और लोग अगर कोई समस्या में है कोई व्यक्ति और उनसे जाके बात करने की कोशिश करें तो उनसे आराम से मिलें, उनसे बात करें, उनकी समस्या का समाधान करें। ऐसा नेता चाहिए, हर किसी को ऐसा चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो आम जन के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी की बाइक पकड़ ली, किसी की गाड़ी पकड़ ली, किसी का रोड़ा हो गया, किसी का झगड़ा हो गया और बनने के बाद ये लोग कहते हैं कि हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है। तो बनने के बाद जो इनकी प्रतिक्रिया होती है वो नहीं होनी चाहिए। लोगों की बात सुने, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। क्या नाम है जपना? परमजीत जी, क्या कहेंगे, कैसे विधायक और सरकार की मांग करते हो इस बार? जो सुनवाई करे, लोगों की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, जिससे आम जनता को रीच आउट करना बड़ा इजी रहे। ऐसे ऐसे हमें तो नेता चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो चीज़ें तो वही है, फिर लोकतंत्र का लाभ क्या है, बस इतना ही चाहिए। सरोज गुप्ता। अच्छा, कैसा विधायक और सरकार? नहीं, वैसे विधायक ठीक है, लेकिन इसने कोई काम नहीं करा, ये मैं भी कह रही हूँ। सब सड़कें कुरुक्षेत्र की टूटी फूटी पड़ी हैं, किसी भी सड़क पे आप जाके देख लो, कोई काम नहीं है। चाहे स्कूटी पे जा लो, चाहे कार में जा लो, दो चार एक्सीडेंट तो होने ही होने हैं। हम रोज जाते हैं, कहीं ना कहीं गिर के चोटी खा के आते हैं। भाई विधायक ऐसा हो जो हमारी सुने, हमारे काम करवाए, तो वो विधायक हमारे लिए सबसे अच्छा विधायक होगा। कार्यकाल भाजपा का 10 साल से चलता आ रहा है, तो उससे संतुष्ट? नहीं, ये नहीं है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी हो, हमारा तो अपने मतलब अपने काम से मतलब है। जो हमारा काम अच्छा करेगा हम उसको वोट अपना खुद ही देंगे उसको, बस। चाहे वो कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। विजय भारती जी, मैम क्या कहेंगे, विधायक के चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार? अच्छी सरकार होनी चाहिए, जो मतलब हर किसी वर्ग की सुने, गरीब की, मजदूर की, मतलब सब किसी की, लेडीज की, बच्चों की, हर किसी मतलब इंसान की सुने। जैसे संतोष मैडम ने कहा, बिमला आंटी ने कहा, वैसे ही हम सभी ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार बहुत अच्छी हो, आने वाले विधायक हमारे ऐसे हों कि हर बात पे, छोटी सी बात हो चाहे उस पे भी यूँ सोचा, हाँ भाई मैं लोगों के बीच में जाऊँ और उनकी बातें सुनूँ। तो जो इस सरकार का कार्यकाल चल रहा है उस चीज़ से संतुष्ट हो आप लोग? नहीं। तो क्या बदलाव नहीं, मैंने ये देखा है सुबह सुधा के पास जब भी कोई काम के लिए गए हैं ना, वो काम नहीं होया। हाँ, तो आपको लगता है कि सरकार या बदल? सरकार बदल, हर देखो हर कोई ये चाहेगा, एक सरकार का थोड़ा देखो नहीं होना चाहिए। हर चीज ये नहीं कि हम हर रोज एक ही खाना खाएंगे, लेकिन वैसे ही सरकार का टेस्ट बदलना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? बिमला गर्ग। मैम अभी चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग? देखिए, वो जैसे संतोष मैडम जी ने कहा, अभी एक कर्मठ और काम करने वाला, सबकी समस्याएं सुनने वाला होना चाहिए। और दूसरा, जो आजकल ये छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना यौन शोषण हो रहा है, इसकी भी वो होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आजकल सेफ नहीं है बिल्कुल भी, इतना बुरा हाल हो रहा है, जबकि कोई सुनाई नहीं करता और उनको ना ही सजा का कोई वो देते। भाई तो बात करें अपने शहर कुरुक्षेत्र की, तो विधायक कैसा होना चाहिए? भाई एक अच्छा होना चाहिए जो लोगों की समस्याएं सुने और कुछ काम काज भी करे, सुधार करे कुछ, और सबकी सुने भी जो भी हम शिकायत लेके जाए। तो जो अभी कार्यकाल बीजेपी का चल रहा है तो आप लोग उससे संतुष्ट हो? इतना तो मुझे ज्ञान नहीं, मैं देखो। क्या नाम है आपका? बिमला गर्ग। मेरा कैलाश गर्ग। तो कैसा विधायक और सरकार की मांग? जो हम लोगों की सुने, हमारे शहर को अच्छा बनाए, हमारे शहर के काम करे, वो चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इनेलो है, कोई भी है, विधायक ऐसा हो कि हमारे काम करे, हमारी सुने। क्या नाम है जी आपका? मेरा बलराज। कैसा विधायक और सरकार की मांग? अच्छा होना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, सब सेफ होना चाहिए। जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं वो पूरी सेफ होनी चाहिए, जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं ये भी बननी चाहिए, नौकरी वगैरह भी निकलनी चाहिए, सब ठीक रहें, खुश रहें, अच्छे रहें, यही हमारा अच्छा तो विधायक ऐसा चाहिए। बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है उस चीज़ से आपको कितनी मतलब कि खुशी है कि नहीं है, क्या कहना चाहिए? तो खुशी तो है, खुशी तो है, फिर खुशी उससे है कि जो उनकी बात माने या उनकी पूरी करे, मतलब जो वो बोलते हैं सड़कें बननी चाहिए,
अच्छे बनने चाहिए, मतलब सबकी सुनो। तो कुरुक्षेत्र का विधायक कैसा चाहिए आपको? मेरे को तो अच्छा चाहिए, काम करने वाला चाहिए। सड़कें टूटी पड़ी हैं, जैसे कोई नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिलनी चाहिए, गरीब की भी सुननी चाहिए, अमीर तो अपनी सुनाई करवा ही लेता है। निछत्तर को जी क्या कहेंगे, कैसा विधायक चाहते हैं? मीडिया वाले हैं, अच्छा होना चाहिए जी, ईमानदार, यही बात कहेंगे सारे। तो बढ़िया हो, ऐसा हो जो काम करने वाला। हाँ जी कौशल्या मैम, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो? हम अच्छे नेता की मांग करते हैं जो काम करे। यहाँ की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो वो बननी चाहिए, और जो बेरोजगारी दूर करे। युवा बच्चे हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इधर हमारा देश छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं, वो तो कितनी तकलीफ होती है माँ बाप को। ये ऐसा अच्छा नेता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। कौशल्या शर्मा, अच्छा कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हो? बस कैसा क्या, अच्छा ईमानदार काम करने वाला बंदा होना चाहिए। विधायक तो काम करने वाला चाहिए भी, अच्छा चाहिए, ईमानदार चाहिए। तो जो अभी भाजपा का कार्यकाल चल रहा है तो आप उससे संतुष्ट हो? क्या क्या आपको क्या लगता है कि क्या? ये तो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं किसी भी काम में। तो कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए जो काम करे, क्षेत्र को तरक्की करे, यहाँ सड़कों का बुरा हाल है, सारी चीज का बुरा हाल। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए।